सो है गाइस, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे और आज हम बात करने वाले हैं जीसी रायपुर के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 जीसीस के ऊपर वीडियो बना दी है, जैसे कि ये तीनों जीसीस के रिव्यू। एक जो वीडियो है वो है बेस्ट ऑफ 3 जीसीस और एक जो वीडियो है वो जीसी वर्सेस प्राइवेट कॉलेज के ऊपर रहने वाली है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। साथ में ये जो वीडियो सीरीज़ है, जो जीसीस की वीडियो सीरीज़ है, वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, क्योंकि अथॉरिटी या जो एफिलिएशन है वो सेम यूनिवर्सिटी से होता है। साथ में जो कॉलेजेस हैं वो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर आती है तीनों कॉलेजेस। तो स्पेसिफिकली हर कॉलेज के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके जो वीडियोस हैं उनको पूरी तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इस कॉलेज का जो NIRF रैंकिंग है वो मुझे एग्जैक्ट तो मिल नहीं पाया, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये करीबन 250 के आसपास ही रहने वाला है। और जो करियर 360 रैंक है वो है 4A की रैंक इसको मिली है, जो कि एक एवरेज सी रैंक है। आप अगर देखें जैसे कि 10 पॉइंट्स में अगर मैं इसको मार्क दूँ तो वो 6 के आसपास के जैसा ही होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इस कॉलेज का वो 2006 में हुआ था, जो कि सबसे लेट में बना हुआ जीसी है। अगर इसी कैंपस एरिया की बात करें तो ये 19 एकड़ का कैंपस है। और ये जो बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्डिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो न्यू बिल्डिंग है, क्योंकि जो पुराना जीसी था उसमें अभी अब IIT बना दिया गया है, तो इसलिए नए बिल्डिंग पर अब जीसी रायपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, साथ में क्लासेस या जो टोटल एकेडमिक वर्क हैं वो किए जाते हैं। अब अगर हम कॉलेज टाइप की बात करें तो ये जो कॉलेज है वो टोटली गवर्नमेंट कॉलेज है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉलेज है वो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, साथ में NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से ये कॉलेज एक्रीडिएटेड है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो कॉलेज है वो एक अच्छे कॉलेज में गिनती की जा सकती है। साथ में जितने भी जो ये NBA है या जो AICTE का, तो आपको पता है NBA जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसके थ्रू कॉलेज का रैंकिंग दी जाती है, कॉलेज के एकेडमिक्स के ऊपर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब कॉलेज में जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनके ऊपर रैंकिंग दी जाती है। तो अगर ये NBA एक्रीडिएटेड है, इसका मतलब ये कॉलेज आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब तो अगर हम कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा इसके नाम से ही कि ये रायपुर में है, और रायपुर के सेज बहार वाले जगह पर ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। और इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका 2006 में हुआ, और साथ में माना एयरपोर्ट से इसकी दूरी आपको देखने को मिलेगी अप्रॉक्स 16 किलोमीटर के आसपास। तो अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी कॉलेज के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। वेल द कॉलेज कैंपस इज अप्रॉक्स 20 एकड़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड इनफ विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज। मतलब इसका मतलब आपको सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि ये जो कॉलेज है वो अब नए बिल्डिंग में रन हो रहा है, जो कि है सेज बहार में, और जो वाईफाई फैसिलिटीज है, साथ में इक्विपमेंट्स हैं वो लैब में, सारे लैब्स वेल इक्विप्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं। द क्लासरूम हैज इंटरेक्टिव बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड और फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर लैब्स विद 24/7 इंटरनेट। जैसे कि आपको सारे जीसीस में अब जितने भी आपको क्लासरूम देखने को मिलते हैं सब स्मार्ट क्लास हो गए हैं, उसी तरह रायपुर में भी हो गए हैं, और आपको 24/7 की इंटरनेट की सुविधा आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या एकेडमिक बिल्डिंग है, जैसे कि कॉरिडोर, सभी जगह पर आपको वाईफाई की फैसिलिटीज 24/7 देखने को मिलने वाली है। द हॉस्टल्स आर प्रीटी एवरेज एंड हाइजीनिक विथ सैनिटाइजेशन एंड हैज स्पोर्ट फैसिलिटीज टू लाइक टू बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल, पूल टेबल एंड कैरम एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज देखने को मिलती है, वो भी एक एवरेज सा हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी सुविधाएं तो नहीं, पर एक एवरेज सुविधा, जैसे कि आपको हर हॉस्टल में, जैसे कि अगर जितने भी हॉस्टल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, हर हॉस्टल में मेस, आपको एक स्टडी हॉल, सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी ये कॉलेज आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे कि जो इंटर कॉलेज जितने भी प्रोग्राम्स या स्पोर्ट्स की जो मीट होते हैं वो भी आपको इस कॉलेज में कराए जाते हैं। अब अगर हम बात करें हॉल्स की, बैडमिंटन हॉल की, तो इसको मैं स्पोर्ट वाले सेक्शन में आपको अभी बताने वाला हूँ। अब यहाँ आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी देखने को मिलेगी। लाइब्रेरी जो है वो आपके लिए फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे बुक प्रोवाइड कराएंगे, और आप जब तक रखना चाहते हैं उस बुक तो तब तक रख सकते हैं, बट आपको एंड में इसको सबमिट करके कॉलेज से जाना पड़ेगा। अब इस कॉलेज में आपको एक ऑडिटोरियम भी देखने को मिलेगा जो वेल एयर कंडीशनड होगा, साथ में जो इसकी कैपेसिटी है वो 500 की रहने वाली है। द हॉलमार्क ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इट्स इंटीरियर डिजाइन एंड बोस साउंड सिस्टम, जैसे कि आपको बोर्ड साउंड सिस्टम भी यहाँ पर मिलने वाला है, साथ में जो इंटीरियर डिजाइनिंग भी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। आप जो ऑफिशियल साइट में इसका जाकर एक इमेज देख पाएंगे।
अब इस ऑडिटोरियम में क्या होगा, तो जैसे कि जो जितने भी वर्कशॉप होते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप होते हैं या आपके सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पर आप अटेंड कर पाएंगे। और साथ में ये जो है ऑडिटोरियम वो आपको थिएटर की तरह देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप 75 रुपये देकर हर महीने मूवी देख पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ आपको सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की गई है, बस ये मूवी नहीं दिखाएंगे आपको। बट जोक सपाट, बहुत अच्छा आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एन एवरेज स्पोर्ट एटमोसफियर इज हियर। इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम्स आर अवेलेबल, लाइक वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल एंड पूल टेबल कैरम। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है वो आपको एक एवरेज देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने दूसरे कॉलेज में भी बताया था कि तीनों जीसी में आपको स्पोर्ट्स एवरेज देखने को ही मिलते हैं। बट इसमें आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि जो स्पोर्ट्स मीट होता है, एनुअल स्पोर्ट मीट या जो इंटर कॉलेज गेम्स होते हैं, उसमें अगर आपका कॉलेज पार्टिसिपेट करता है तो आपके जितने भी किट्स के खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस आपके आने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारा कॉलेज बियर करता है। तो यहाँ पर एक आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो यहाँ आपको 5 कोर्स देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके 60 सीट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उसके भी 60 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के भी 60, कंप्यूटर साइंस के भी 60 और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के भी 60 आपको सीट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरे को बेस्ट ब्रांच पूछेंगे तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि आगे इस ब्रांच से रिलेटेड जो सेक्टर है वो काफ़ी बूम में है। साथ में इस कॉलेज में आपको अच्छे टीचर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब अगर टीचर्स की बात करें तो जैसे कि सारे कॉलेज में, अगर आप इससे पहले कोई दूसरा भी जीसी का वीडियो देख के आए हैं, तो सेम चीज़ें यहाँ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ आपको टीचर्स या फैकल्टी देखने को मिलेंगी, वो आपके जो कोर ब्रांचेस हैं, आपके जो कोर ब्रांचेस हैं उसमें 50% देखने को मिलेंगे परमानेंट फैकल्टी, और नॉन कोर हैं उसमें आपको कम देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे उसको कोर ब्रांचेस से। पर जितने भी हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। पर यहाँ पर एक और दिक्कत होता है कि आपको ऑलरेडी 50% ही देखने को मिल रहे हैं, जो बाकी 50% होते हैं वो कौन है, तो वो आपके जो एलमनी होते हैं, या जो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो वो नॉन परमानेंट टीचर आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी वजह से आपका एक जो एकेडमिक्स है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जो जीसीएस के आगे के प्लान से वो है टेक्क्यूब 3 के थ्रू वो अब जो परमानेंट फैकल्टीज हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं, जिनका रिक्रूटमेंट आई थिंक अगले 2 सालों में कर लिया जाएगा। तो जो जितने भी आपको टीचर्स देखने को मिलने वाले हैं यहाँ वो काफ़ी अच्छे हैं, जो परमानेंट टीचर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उनका जो स्क्रीनिंग हुआ है या जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो भी CGPSC के थ्रू, या फिर उन्होंने MTech किया है उसके थ्रू जाकर वो यहाँ के टीचर बन पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जितने भी परमानेंट टीचर हैं वो बहुत अच्छे आपको देखने को मिलने वाले हैं, पर जितने भी आपको नॉन परमानेंट टीचर मिलेंगे वो एकदम आपको मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाते, और वैसे टीचर्स आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई जो यहाँ का जो टीचिंग फैसिलिटीज़ है वो एक एवरेज आप मान सकते हैं, पर जितने टीचर्स भी परमानेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आपको देखने को भी मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो तीनों जीसीस के जो फीस स्ट्रक्चर है, चूँकि वो तीनों जीसीस हैं इसलिए सेम रहने वाला है, जैसे कि आपको टोटल 72,000 लगने वाला है और लेटरल वालों के लिए 56,000 देखने को मिल जाएगा। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो विद सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी यस देयर इज अ हॉस्टल। अब यहाँ पर मेरे को एग्जैक्ट कितने हॉस्टल्स हैं वो पता नहीं पर चल पाया, पर आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको 2 हॉस्टल तो ज़रूर देखने को मिलने ही वाले हैं, जैसे कि एक आपको देखने को मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल और एक आपको बॉयज़ हॉस्टल, तो देखने को ज़रूर मिलेगा, और उनकी जो कैपेसिटी होगी वो मिनिमम 100 की होने वाली है। तो अगर आप हॉस्टल में जैसे कि अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज अथॉरिटी से एक बार बात कर लीजिएगा, और हॉस्टल बेशक से आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि ये जीसीस है और सारे जीसीस में आपको हॉस्टल देखने को मिलते हैं। पुराने बिल्डिंग में जरूर था, पर नए बिल्डिंग में आने के बाद मेरे को एग्जैक्ट ये जो डेटा है हॉस्टल का वो नहीं मिल पाया, इसलिए आप एक बार अगर जाना चाहते हैं तो एक बार अथॉरिटी से एक बार बात कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, हॉस्टल फ़ी आपको देखने को मिलेगा 1800 से 2000 के बीच में, जो कि एकदम नॉमिनल फ़ी है। आपको फ़ीस के अंदर ही कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है, मैस के जो बिल है वो भी है इसी के अंदर, जो वाईफाई का बिल आता है वो भी है, इलेक्ट्रिसिटी का 24/7 की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि आपको गार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा हर हॉस्टल के लिए, वीकली ट्रांसपोर्टेशन, पर मैं समझ सकता हूँ कि आप एक इंजीनियर हैं, आप एक वीकली आप ट्रांसपोर्टेशन का वेट तो करना नहीं वाले, आपके पास बाइक या आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन की अपनी सुविधा होगी उसके थ्रू आप अपना काम कर लें। अब जैसे कि अलॉटमेंट की बात करें तो जो आपको रूम्स दिए जाते हैं
तो आपको डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम भी मिल सकते हैं, अवेलेबिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है, पर रूम जो होंगे वो अच्छे होंगे। आपको वहाँ पर एक कवर्ड दे दिया जाएगा, साथ में जितने भी आपको बेड मिल जाते हैं गद्दे आपके रहने वाले हैं। हॉस्टल इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल बिल्डर की स्टूडेंट। अभी नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपको कोई यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉलेज के लिए नहीं लगता है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड डिस्काउंट। हाँ, सेकेंड थिंग, आपको यूनिवर्सिटी में या आपको हॉस्टल फी में कुछ कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आप STSC या OBC से बिलोंग करते हैं तो। साथ में यहाँ पर आपको हॉस्टल में रहना मैंडेटरी नहीं होने वाला है, आप अगर हॉस्टल के अलावा PG में रहना चाहें या किसी बाहर के हॉस्टल में रहना चाहें तब भी आप रह सकते हैं। अब अगर हम मोड ऑफ एडमिशन, एग्जाम्स, कट ऑफ या एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा वो 10+2 का देखने को मिलेगा। सारे जितने भी GCs हैं सभी के लिए सेम है। आपको 10+2 के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर आपको पास करना है, जिनका जो आपको कम्युलेटिव परसेंटेज है वो 45% से ऊपर रहना चाहिए जनरल वालों के लिए, और जो STSC और OBC हैं उनके लिए 40% से ऊपर रहना चाहिए। साथ में PWD कैंडिडेट के लिए भी सेम आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम आप CGPT के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको सामने जाकर अभी कट ऑफ दिखा दूंगा। तो अगर आपने JEE मेंस में 100 तक भी आप ले आते हैं तो आपको आसानी से एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा आपको 100% देखने को मिलेगा। ओनली द स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये एक बात बता दूँ कि जो आपको कोटा यहाँ पर देखने को मिलेगा वो छत्तीसगढ़ के जो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो नेटिव स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोटा आपको मिलने वाला है। साथ में इस कॉलेज में बाहर के बच्चे भी आकर एडमिशन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जो इनके लिए कुछ एक स्पेसिफिक सीटें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जो लेटरल एंट्री वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी दूसरे GC की तरह सेम रहने वाले हैं, जैसे कि CGDTE जो टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टरेट है उसके नॉर्म्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आपने इससे पहले जिस कॉलेज से डिप्लोमा किया है वो AICTE के से एफिलिएटेड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको जो एवरेज मार्क्स हैं 3 सालों के लिए वो आपके 50% से ऊपर रहने चाहिए। साथ में आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पढ़कर यहाँ आते हैं तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, और आप जैसे जाते हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर से एडमिशन देखने को मिलेगा। कैंडिडेट जो BSc के हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे कि प्लेन BSc करना होगा, और उनके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम देखने को मिलेगी उनको। और आपको कुछ एग्जाम देखने को मिलेंगे जिसको आपको क्वालिफाई करना ही होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के लिए। अब देख लीजिए मोड ऑफ एडमिशन, एग्जाम्स, कट ऑफ एलिजिबिलिटी। रिजर्वेशन जो यहाँ का पॉलिसी है वो तावड़ तोड़ रहने वाला है, क्योंकि ये GC है, गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो सारे GCs के लिए आपको सेम देखने को मिलेगा। और 12% SC, 32% ST और 14% OBC के लिए पहले से रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, 42% है बाकी वो एंड रिजर्व आपको देखने को मिलने वाला है। एज जो लिमिट है वो है 30 years फॉर रिव्यूअर और 33 फॉर STSC OBC फीमेल एंड PWD कैंडिडेट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर रहने वाले हैं एडमिशन लेने के लिए, वो हैं इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS हैं या STSC OBC से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगने वाला है जैसे कि अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, गेप सर्टिफिकेट अगर आपने गेप ली है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कि आपको हर कॉलेज में प्रोवाइड कर दिया जाता है निकलने के बाद या स्कूल में प्रोवाइड कर दिया जाता है, आधार कार्ड, 10th के सर्टिफिकेट, आपका जो स्कोर कार्ड है CGPAT या तो फिर JEE मेंस का, वो सब आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कट ऑफ 2018 का देख सकते हैं, जैसे राउंड 1 और राउंड 2 का कट ऑफ आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि फिर वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल और सॉरी जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बता दूँ कि ET NT के लिए 80, जनरल के लिए आपका EE के लिए 89, सिविल के लिए 97, इस तरह के आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं लेबोरेटरीज की, तो लेबोरेटरीज में तीनों GCs की तरह सारे सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। देखिए मैंने हर बात पे यहाँ पर तीनों GCs की तरह इसलिए बोला है क्योंकि GCs जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है और वो तीनों GCs CHPTU से एफिलिएटेड है, तो तीनों GCs में आपको जो सीनरी सेम देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो फिर EE या फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आपको लैब इक्विपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप वहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक किसी एक ब्रांच का देखना है तो आप साइट में जाकर भी एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, तो स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप तो प्रोवाइड नहीं कराया जाता,
पर EWS होते हैं तो इन प्रोवाइड करा दिया जाता है 80% लोगों को, यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दिया जाता है। 5 branch openers पर ब्रांच कैन स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जैसे कि अगर आप ब्रांच ओपनर हैं, 5 branch openers हर ब्रांच के रिस्पेक्टिवली आपको फ्री में पढ़ाई कराई जाएगी, बट बशर्ते आप अगर OBC में तो क्रीमी लेयर में ना हो, और अगर आप जनरल हैं तो फिर EWS नहीं होने चाहिए। OBC पर ईयर आपको जो है 21,000 का स्टाइपेंड मिलता है, STSC को 25,000 का मिलता है, हॉस्टलर लोगों को 24,000 OBC और 28,000 STSC वालों को मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर यही समझ नहीं आता कि हॉस्टल में रहने के बावजूद आपका जो स्टाइपेंड है वो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, मेरे को उसके बारे से नहीं पता। आपको अगर एक्टिविटीज़ की बात करें यहाँ, तो जो एक्टिविटीज़ का जो सिनेरियो है वो आपको एवरेज से देखने को मिलेगा। जो स्टार्टअप एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा एवरेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक ठाक आप बोल सकते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स होते हैं यहाँ, जैसे कि इंटर कॉलेज, मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट देखने को मिलेगा। कॉलेज क्लब्स यहाँ पर आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। मैं बिल्कुल ना बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको NCC कॉलेज क्लब्स के मतलब में MCC या और छोटे छोटे क्लब्स बहुत कम बनाए जाते हैं कॉलेज में, तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। वर्कशॉप ना के बराबर, वर्कशॉप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। टेक फेस्ट होता है एक आवेज, जो कि एक एवरेज सा टेक फेस्ट देखने को मिलने वाला है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक एनुअल डे की तरह यहाँ इस मतलब टेक फेस्ट की बेज्जती कर दी जाती है तीनों GC में। आपको सच सच बताऊँ तो टेक फेस्ट का जो सीनेरियो होना चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखेंगे तो आपको एकदम फील नहीं होगा कि ये टेक फेस्ट हो रहा है। तो नाम बड़े दर्शन छोटे जैसा आपको फीलिंग आ सकता है टेक फेस्ट अटेंड करने के बाद। तो अब अगर हम बात करें एलमनी की, तो यहाँ जो एलमनीज के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो काफ़ी गंदा है, ठीक है। आप यहाँ इस कॉलेज में देख पाएंगे कि यहाँ पर एलमनीज मीट के नाम पर छोटा सा सेमिनार करवा दिया जाता है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एलमनीज अटेंड भी करने नहीं आते। उनको इंटरेक्शन उनके साथ बहुत गंदा हम आपको देखने को मिलेगा। जितने भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत कम कंडक्ट कराए जाते हैं एलमनी मीट से रिलेटेड। साथ में जो प्रोग्राम्स हैं एलमनी मीट के वो भी काफ़ी कंडक्ट कराए जाते हैं, साल में एक बार आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट तीनों GCs की अपेक्षा यहाँ सबसे बढ़िया हो देखने को आपको मिलेगा। प्लेसमेंट सेल भी आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा 2019 और 2020 के रिस्पेक्टिवली जितने भी कंपनीज यहाँ पर आई हैं और उनसे रिलेटेड आपको जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अगर एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो आप कॉलेज के ऑफिशियल साइट में जाकर पूरी तरह से देख पाएंगे उनका, उसका एक मैं लिंक छोड़ दूंगा अपने इस वीडियो के नीचे में। जैसे कि TCS में 2019 में 6 लोगों को, वही 2020 में भी 6 लोगों को उठाया है। HGS कंसल्टिंग इंदौर 2, IBM 1, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लास्ट में 100 चांसेस लिख दिए हैं 2020 वाले कॉलम में। अब इसका रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पर चांसेस क्यों लिखे हैं। चांसेस बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि आपको जो बच्चे देखने को मिल रहे हैं, जैसे TCS में 1, IBM में 1, ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा TCS में सेलेक्ट हो गया तो दूसरे में नहीं हुआ। यहाँ पर आपको जैसे कि पाई इन्फोकॉम में जो 12 बच्चे देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे भी कंपनी के लिए सिलेक्टेड हैं। तो उसी तरह मैंने चांसेस लिख दिया है एकदम। आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपकी मर्जी है, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दैट्स व्हाई मैंने चांसेस यहाँ पर कंसिडर किया है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको तीनों GC में, आप मेरे को सबसे बढ़िया GC ये लगता है। साथ में जो कनेक्टिविटी है आपको एटमॉस्फियर वो तीनों GC से अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक कैपिटल में, छत्तीसगढ़ के कैपिटल में पढ़ाई कर रहे हैं और सारे सुविधाएं आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप कोई स्टार्टअप भी करते हैं तो एक जो फिजिबल मार्केट आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा आप देख पाएंगे। अब अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको इस कॉलेज में गेट या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करा दिए जाते हैं, वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट आपको दूसरे कॉलेजेस की अपेक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगा। फैकल्टीज आर फ्यू बट वेरी नाइसली एक्सपीरियंस्ड। हाँ, मैंने पहले भी बताया फैकल्टी वाले सेक्शन में कि फैकल्टीज कम हैं, पर जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आपको देखने को मिलेंगे। उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो बहुत पहले से आकर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। साथ में उन्होंने अच्छा खासा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो किया है जिसके थ्रू आज उनकी यहाँ पर एक जो नौकरी है या जो पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी है उनको मिल पाया है, इसलिए वो काफ़ी एक्सपीरियंस आप देख पाएंगे। फ्री बुक्स एंड नेटवर्क अवेलेबल, साथ में यहाँ आपको फ्री बुक और नेटवर्क अवेलेबल है। जैसे कि फ्री बुक मतलब आप यहाँ पर से, जैसे कि आप यहाँ पर से एक बुक लेकर जाते हैं, आप उसको
लास्ट में भी सबमिट कर सकते हैं। आप जब तक पढ़ना चाहें उसको आप रख पाएंगे। और साथ में जितने भी बुक्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ, वो सभी कॉलेज की लाइब्रेरी के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ग्रीवेंस सिस्टम है, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप आसानी से कंप्लेन कर पाएंगे, आपका जो कंप्लेन है वो भी जल्दी दायर हो जाएगा और उसका समाधान भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिसएडवांटेज क्या क्या है? लो प्लेसमेंट, मतलब लो प्लेसमेंट, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के सिनेरियो को देखूं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखकर बोलूं तो आप बोल सकते हैं, पर दोनों जीसीस से अच्छा है। एक्सपोजर इज़ वेरी लो, जैसे कि मैंने एक्टिविटीज़ वाले सेक्शन में दिखाया कि एक्टिविटीज़ के नाम पर बहुत यहाँ पर आपको उल्लू बनाया जाता है या आपका जो जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी गंदा रहने वाला है, तो उस मामले में भी ये कॉलेज आपको अच्छा देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब अगर हम कॉलेज अथॉरिटी की बात करें तो कॉलेज अथॉरिटी भी उतनी अच्छी नहीं आपको देखने को मिलेगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में जितने भी फैकल्टीज होते हैं वो एकदम कॉपरेटिव होते हैं, पर यहाँ पर आपको उतने कॉपरेटिव नहीं मिलेंगे। जितने भी जो पुराने टीचर्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, जितने भी नए टीचर्स हैं वो आपको हो सकता है थोड़ा आपके साथ कॉपरेट करें, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा अकड़ या तो फिर आप बोल सकते हैं थोड़े चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा। वो जल्दी आपके साथ जल्दी कॉपरेट नहीं करेंगे। नो एलुमनी इंट्रैक्शन, जैसे कि एलुमनी इंट्रैक्शन जीरो है या तो जीरो आप बोल सकते हैं 10% है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। दूसरे कॉलेजेस की अपेक्षा बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। और लिविंग लाइक 90s का मतलब है कि सुविधाएं होने के बावजूद आप उसका ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, वो मोर देन 20 करोड़ हर साल आता है, पर उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते और उनका हर जाना हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पैसे अगर आप उपयोग नहीं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ेगा। आपके पास सुविधाएं होते हुए भी आप ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में भी जो मैंने तीनों चीज इसके लिए यूज़ किया है, यहाँ भी मैं वही चीज यूज़ करूँगा कि अगर आपको IIT NIT और नया रायपुर नहीं मिलता IIIT के लिए तो आप बिल्कुल इसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप तीनों जीसीस, आपको मौका मिले तीनों जीसीस लेने का, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस से जीसी रायपुर को चूज़ कर लीजिए। बट यू कॉन्ट फाइंड, हाँ अब बात वही है कि आप चूज़ तो कर लेते हैं पर आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा, एक एवरेज सा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अब साथ में अगर आप मेरे रैंकिंग की बात आती है तो इस कॉलेज को मैं एक ही रैंकिंग दूंगा जो कि बिलासपुर जीसी से की जो D+ वाली रैंकिंग है उससे अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जो पांचों वीडियोस हैं उसको भी आप एक एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी जीसी में। क्योंकि अगर आप 4 साल किसी कॉलेज में देते हैं, 4 साल आपको किसी कॉलेज में देना है, तो आप उसके लिए 40 मिनट की रिसर्च तो जरूर कर ही सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।